अस्सलाम वालेकुम। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ कॉमर्स की जो रिसेंटली ही जॉब की एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट हो रही है फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स पे, उस पर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स वीडियो भी बना रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम आप सबको डिटेल में गाइडलाइंस दे दें कि ये टोटली फेक जॉब थे और आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करना है। जब मुझे इस जॉब के रिलेटेड पता चला तो स्टार्टिंग में मैं भी शॉक हो गया कि वेरीफाइड जॉब्स आ चुकी हैं आई थिंक, और आप लोग इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हो और बिल्कुल ही एजुकेशन लेवल पर ही जॉब है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ इनकी एडवर्टाइजमेंट जो ये सर्कुलेट हो रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जो मुझे इसके रिलेटेड पता चला है वो यूट्यूब के थ्रू और फेसबुक के थ्रू पता चला है इस जॉब के रिलेटेड, जो कि ये बिल्कुल फेक है। आपने इनमें फ़ी वगैरह कुछ भी पे नहीं करनी है। अभी मैं आपको आज मैं इस कंप्लीट में वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जॉब्स को वेरीफाइड करना है, देन उसके बाद आपने कुछ जॉब्स पे होती हैं जो कि आपसे मांगती हैं चार्जेस, और कुछ फेक होती हैं तो आपने किस तरीके से उनका पता करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फेडरल डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक इदारा इन्होंने जो बनाया हुआ है अपनी तरफ से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब से नंबर ऑफ पोस्ट 703 है भाई। यहाँ पे पाकिस्तान पे ड्यूटीज़ नहीं मिल रही हो, ये सरकारी नौकरियाँ दे रहे हैं एलिमेंट्री को, पे भी देख लीजिएगा आप, और क्वालिफिकेशन वगैरह और एज लिमिट भी इन्होंने इतनी दी हुई है। सेकंड पे आ रहा है प्राइमरी स्कूल टीचर की जॉब है, जो कि 141 सीट्स हैं फॉर अ प्राइमरी स्कूल टीचर। उसके लिहाज से सेकेंडरी स्कूल टीचर, जूनियर क्लर्क, लेबॉरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, माली और नैब कासिद, मतलब किसी भी तरीके से इन्होंने 19 पीस नहीं रखी एडवर्टाइजमेंट में जिससे पता चल सके कि ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये रियल जॉब्स हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट को देखा था तो मैं भी यही समझा था कि ये बिल्कुल रियल एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन जब मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो रीड की, जो कि इन्होंने ये वाली बताई हुई थी www.fdctv.org, जैसे ही हमने ये वेबसाइट पर विज़िट किया तो तब हम, क्योंकि हमारा तो काम ही जॉब अपडेट्स और ई वेरीफाइड जॉब्स को देखना होता है, तो हमें मुझे पहली नज़र में पता चल गया कि ये बिल्कुल फेक जॉब्स हैं। और आपने इन्होंने यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है आपने 12 मार्च 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। चले भी हम आपको ले चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ, जो कि fdctv.org, ये हमने एडिटी सेम लिखा है जैसे तो हमारे पास इनकी वेबसाइट आ गई है। ये इनका लोगो है, जैसे मैंने इनकी टर्मिंग कंडीशन पॉलिसी वगैरह पढ़ी है, इनकी फैकल्टी मेम्बर्स कौन कौन है जी, जैसे हमने इनकी वेबसाइट विजिट की, इनकी फैकल्टी स्कॉलरशिप्स वगैरह का भी देखा, न्यूज़ और डिटेल, हमने सोचा कि इनका LMS देख लिया जाए, तो जैसे हमने LMS पर क्लिक किया तो हमारे पास इनका LMS कुछ भी नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग में हमें पता चल गया कि ये बिल्कुल फेक जॉब्स हैं, ये एक इनका प्रोपेगेंडा है जो कि इन्होंने अभी नई तरीके से स्कैम करने से रिलेटेड इन्होंने ये न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर ली हैं। इनकी ये वेबसाइट भी आप देख सकते हैं कि कितनी बिल्कुल बेकार वेबसाइट है। अगर ये आप वेबसाइट किसी को बोलोगे भी ना, कोई भी IT या CS या कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा थर्ड या फोर्थ ईयर में, तो वो ये वेबसाइट आपको मिनटों में बना के दे देगा, ठीक है। ये बिल्कुल वेबसाइट डायनेमिक भी नहीं है और स्टेटिक है। तो आपने इन जॉब्स को इस तरीके से वेरीफाइड करना होता है कि जैसे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आए आपने उनकी वेबसाइट पर जाके विजिट करना वगैरह करना होता है, उनकी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है, और उनको देखना होता है कि उनकी वेबसाइट, जब एक इदारा है, एक फॉर एग्जांपल जैसे FPSC हो गया, PPSC हो गया, एक इदारे हैं बड़े, तो जब उनकी आप वेबसाइट विजिट करते हैं और दूसरों की जब आप विजिट करते हैं वेबसाइट, तो उन, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वेबसाइट पे, देन ही वो अपनी जॉब पब्लिश करते हैं, तो इसी लिहाज से देखने से लगा पता चल रहा है कि ये बिल्कुल फेक जॉब्स हैं, तो आपने इस पर अप्लाई नहीं करना है। चलें अब यहाँ भी, यहाँ पर जॉब्स हैं, जैसे मैंने जॉब्स पर दबाया तो ये मेरे पास भाई साहब इनकी एडवर्टाइजमेंट आ गई। ये एडवर्टाइजमेंट में और कुछ नहीं है, ये वही एडवर्टाइजमेंट जो मैंने भी आपको रीड करके बताई है। चलें अभी इन्होंने बोला है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अभी हमने इनका एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ से बैक कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको फी करके दिखा देता हूँ, हम चले जा रहे नहीं, हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है फिर भी XYZ। तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपली आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे ऑप्शन भी प्रोवाइड नहीं है, यहाँ पे मुकम्मल नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल या फीमेल, आप XYZ कोई भी हो, ये इनका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, और यहाँ से आ रही है ये देखें, आपने ट्रांजेक्शन स्लिप वगैरह जो है वो पे कर दी है या नहीं, DDU डिपॉजिट फी या नहीं, यस या नो, ठीक है। इन्होंने कितने बोले, 800 रुपये बोला है डिपॉजिट करने को, और वो भी किसके थ्रू, इजी पैसा या जैस कैश या इस ID के थ्रू, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे ये भी चीज़ भी शेयर कर दी है, ये देखें, ट्रांजेक्शन ID भी शेयर कर दी है, और ये स्कैन QR कोड के थ्रू भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये स्कैम जॉब्स हैं, फेक जॉब्स हैं, ये रियल जॉब्स नहीं हैं, आपने इन पे पैसे अपने इन्वेस्ट नहीं करने, इन जॉब्स के लिए आपने हरगिज़ अप्लाई नहीं करना। हमने इस आज की वीडियो को बनाने का मतलब ही आपको अवेयरनेस देना है, आज की वीडियो हमारी बनाने का मकसद ही आप सबको अवेयरनेस देना है
कि किस तरीके से आपने वेरीफाइड जॉब्स देखनी है, किस तरीके से आपने जॉब्स को वेरीफाइड करना है, देन ही आपने उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने इस वीडियो को लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है फॉर एस के जारे के तौर पे। अगर किसी एक्स वाई जेड मेरे बहन भाइयों ने पैसे पे कर भी दिए हैं तो अभी उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि आप अभी हमें आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर चले जाता हूँ, तो यहाँ पर एक और भी जॉब्स आई थी, नो बड़ी अप्लाई एरर इशू नेवर पे फी। मैंने इस पर टाइटल ही अपना ये रख दिया था कि आप इन जॉब्स में अप्लाई नहीं कीजिए। ये आई थी कंबाइंड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूट कंपनी में, इनका भी सेम ये क्राइटेरिया था। अभी मैं आपको यहाँ पे लाइव करके भी दिखा देता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये और ये इनकी एक ही वेबसाइट है। जी जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे इनका यही एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको सामने स्क्रीन चल भी रही होगी। आप चाहें तो हमारा ये देख भी सकते हैं। इस पर भी हमने आपको यही बताया, ये रहा इनका यही सही तरीका। ये आप मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई और इनकी यही सही प्रोपेगेंडा इन्होंने यही यहाँ भी अप्लाई किया है। आप इजी पैसा है जेस्केच के थ्रू भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी वही चीज़ है, ये देखें कुछ भी चेंजिंग्स वगैरह नहीं है। आपको ये चीज़ वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि देखें ये वही वेबसाइट है, ये भी फेक थी जॉब्स और ये भी फेक है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने इस पर अपनी पैसे ज़ाया नहीं करने। हो चुका होगा कि ये बिल्कुल फेक जॉब्स है और आपने इन पर हरगिज़ अप्लाई नहीं करना, और ना ही हम आपको कभी रेकमेंड करेंगे कि आपने इन जॉब्स पे अप्लाई करना है और इनकी फ़ी पे करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें और इस वीडियो को सदके जारे के तौर पे लाजमी शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।